हाय एवरीवन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कर रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ओजोनोलाइसिस को डील किए थे। आज अगला मेथड अल्काइन से यदि हम लोग को बनाना हो कार्बोनिल कंपाउंड तो कैसे बनाएंगे, 17 नंबर बाय हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन्स। इसके पहले हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अल्कीन्स के लिए देखा था अल्कोहल चैप्टर में कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अल्कीन का होता था तो प्रोडक्ट अल्कोहल बनता था। अल्कोहल यहाँ भी बनेगा लेकिन वह बनेगा विनाइल अल्कोहल, और विनाइल अल्कोहल के बारे में हम लोग जानते हैं कि वह एक अनस्टेबल कंपाउंड है जो बड़ा जल्दी टॉटोमेराइज कर जाता है किसमें, कार्बोनिल कंपाउंड में। रिएक्शन होना है, रिएक्शन तुम लोग पढ़ चुके हैं किसमें एडिशन होता है, इसको लिख लें ऐसा कि अल्काइन्स हैव एडिशन विथ बोरेन टू फॉर्म विनाइल बोरेन। अब चूंकि यहाँ एडिशन होगा बोरेन से तो मीडियम यहाँ इथर होता है नहीं, टीएचएफ मीडियम, इन टीएचएफ मीडियम टू फॉर्म विनाइल बोरेन विच ऑन ऑक्सीडेशन विथ अल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2- गिव विनाइल अल्कोहल। द ऑक्सीडेशन ऑफ, या ऐसे लिखेंगे अल्काइन्स हैव एडिशन विथ बोरेन इन टीएचएफ मीडियम टू फॉर्म विनाइल बोरेन विच ऑन ऑक्सीडेशन विथ H2O2- में अल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड गिव विनाइल अल्कोहल दैट टॉटोमेराइजेस टू गिव कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड। टॉटोमेराइजेशन का कंसेप्ट यहाँ आएगा। चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे उस समय बताए थे कि टॉटोमेरिज के बगैर यह चैप्टर नहीं पढ़ सकते हम लोग, बहुत सारे रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं इससे, अभी हम लोग देख लिए उसको। चलो अब कंटिन्यू करें। तो जैसे मान लें कि कोई अल्काइन है RC(CH) अल्काइन, बोरेन के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, हाइड्रोपोरेशन में पूरा पढ़े इसके बारे में, THF मीडियम है कि यहाँ यह एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है और हाइड्रोजन बोरोन में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो समवाइट हम लोग हाइड्रोजन पे नेगेटिव दे सकते हैं, बोरोन पे पॉजिटिव। तो एक तो बोरोन पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि यहाँ इसके बैलेंस में 6 ही इलेक्ट्रॉन है, फिर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और भी बढ़ रहा है इसका। तो यहाँ जो अल्काइन है इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम, इसमें या पाई ट्रांसफ़र होगा बोरोन को तो फिर इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन घटेगा तो बदले में यह हाइड्रोजन आएगा इस कार्बन के पास, तो ये हो जाएगा RC, इसमें जुड़ जाएगा H, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH और इसमें जुड़ जाएगा BH2। दिस इज विनाइल बोरेन। विनाइल ग्रुप हम लोग किसे कहते हैं, डबली बॉन्डेड कार्बन विनाइलिक कार्बन कहलाता है। तो डबल बॉन्ड का दो कार्बन यही विनाइलिक कार्बन कहलाएगा और यही डबली बॉन्डेड कार्बन से BH2 जुड़ा हुआ है इसलिए इसको कहेंगे विनाइल बोरेन। फिर हम लोग क्या करते थे, इसका ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन परऑक्साइड अल्कलाइन मीडियम, ऑक्सीडेशन करोगे तो बदल जाएगा RCH(CHOH) विनाइल अल्कोहल में। और यह जो विनाइल अल्कोहल हुआ इसका होगा टॉटोमेराइजेशन, और टॉटोमेराइजेशन में क्या देखे थे, पोजीशन मार्क कर दो 1, 2, 3 कि 1, 3 माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन, तो ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा तो अल्डिहाइड बनेगा।
RCH2CHO एल्डिहाइड बन जाएगा। यही है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अल्काइन का, जिससे कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। अल्किन में डायरेक्ट अल्कोहल बन रहा था, अब यहाँ चूंकि अल्काइन लोगे तो इसका दोनों पाई बॉन्ड यहाँ से नहीं टूटता है, एक टूटता है तो विनाइल ग्रुप तो रह ही जाएगा। अब विनाइल ग्रुप रह जाएगा तो यहाँ विनाइल अल्कोहल बनेगा, और वही विनाइल अल्कोहल का टॉटोमेराइजेशन हो जाता है, क्योंकि विनाइल अल्कोहल एक स्टेबल स्पीसीज है नहीं, तो तुरंत से टॉटोमेराइज कर जाएगा, और टॉटोमेराइज करके जो है बदल जाएगा किसमें, कार्बोनिल कंपाउंड में। यही है, इस रिएक्शन से बेसिकली एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन होता है, यदि टर्मिनल अल्काइन है तो। हम लोग लिख सकते हैं कि टर्मिनल अल्काइन गिव्स एल्डिहाइड वेयर एज नॉन टर्मिनल अल्काइन गिव्स कीटोन, कि जो टर्मिनल अल्काइन है वो एल्डिहाइड बनाएगा, नॉन टर्मिनल अल्काइन है तो कीटोन बनाएगा। एग्जांपल से हम लोग देखें, जैसे CH3CH2CH2C CH3, CH2, 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 वन टू, या इसको यहीं से ले लो C CH3CH वन ब्यूटाइन, ऐसा जो कि टर्मिनल अल्काइन है, मतलब किनारे वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका एडिशन करोगे बोरेन से तो ये शिफ्ट करता था बोरोन पे, इसका हाइड्रोजन आएगा यहाँ, तो बाकी कैटलिस्ट वगैरह तो है सब यहाँ, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ जुड़ गया है PH2। फिर ऑक्सीडेशन, अल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2OH- तो BH2 हट करके वो ही जाएगा, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH OH विनाइल अल्कोहल, और अब यह विनाइल अल्कोहल टॉटोमेराइज करेगा, टॉटोमेराइज करेगा तो होना क्या है, ऑक्सीजन का जाएगा डबली बॉन्डेड कार्बन पे, ये हाइड्रोजन आएगा यहाँ, ये डबल बॉन्ड चला जाएगा यहाँ, तो ये हो गया CH3CH2CH2CHO ब्यूटेनल। लेकिन इसी में यदि ऐसा अल्काइन लिया जाए 2-ब्यूटाइन, मान के चलो ऐसा ले लो CH3CH या CH3C CH3, और यहाँ अब इसका हाइड्रोपोरेशन करवाओ, तो इसमें चूंकि सिमेट्रिकल है किसी पे भी हो सकता है शिफ्टिंग, तो मान लो ये आ गया इसके पास, ये चला गया यहाँ, तो ये रहेगा CH3CH डबल बॉन्ड CBH2CH3 ऑक्सीडेशन H2O2OH- तो ये आएगा CH3CH CO CH3, और फिर यहाँ से 1, 2, 3 ये हाइड्रोजन आ जाएगा इसके पास, ये डबल बॉन्ड चला जाएगा यहाँ, जो CH3CH2C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया ब्यूटन, समझ रहे हो। तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम अल्काइन, जैसे कन्वर्सन के रूप में आ सकता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कन्वर्सन के रूप में आ सकता है 1-ब्यूटाइन से ब्यूटेनल, और यहाँ आ जाएगा 2-ब्यूटाइन से ब्यूटानो, ऐसे बनाओ इसको। तो देख ही रहे हो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का इस्तेमाल करके जो है हम लोग ऐसा कर सकते हैं, और है यह भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन, तो अल्कोहल पढ़ रहे थे वहाँ भी इम्पॉर्टेंट था, यहाँ भी है, और बताया कि सिंगल रिएक्शन दोनों में इसलिए यूज हो रहा था क्योंकि वहाँ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अल्कीन का हो रहा था, यहाँ अल्काइन का,
अल्किन में उसका डायरेक्ट हट जा रहा था पाई बॉन्ड, तो अल्काइल बोरेन बना रहा था, और यहाँ अल्काइन में हटेगा पाई बॉन्ड तो विनाइल बोरेन बनेगा। ऑक्सीडेशन से BH2 यूनिट हट करके वो ही चाह रहा था, यहाँ भी आएगा तो वहाँ डायरेक्ट अल्काइल अल्कोहल मतलब कि बन रहा था, यहाँ विनाइल अल्कोहल बनेगा, और विनाइल अल्कोहल स्टेबल है नहीं तो टॉटोमेराइज करके बदलेगा किस में, कार्बोनिल में। नेक्स्ट अल्काइन से ही एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन नंबर हो जाएगा क्या, 18 नंबर बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन्स, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, हाइड्रेशन मतलब कि एडिशन ऑफ वाटर, वाटर का एडिशन या वाटर से रिएक्शन, प्योर वाटर से रिएक्शन होगा नहीं, तो इसमें मिला हुआ रहता है मर्क्यूरिक सल्फेट विद सल्फ्यूरिक एसिड, माने मरकरी का सॉल्ट तो बेसिकली वो मर्क्यूरिक सल्फेट ही होता है, ताकि सल्फ्यूरिक एसिड का भी सल्फेट रहे तो अलग से कुछ ना इसमें होना। तो वाटर जिसमें मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड मिला हुआ है उसके साथ रिएक्शन करेगा अल्काइन, तो बेसिकली उसका वहाँ से हाइड्रेशन होगा, और यहाँ भी प्रोडक्ट भले विनाइल अल्कोहल बनता है जो फाइनली टॉटोमेराइज करके बदल जाता है कार्बोनिल कंपाउंड में। यहाँ जो एडिशन होता है वाटर का अनसिमेट्रिकल अल्काइन में, अनसिमेट्रिकल अल्काइन में वो फॉलो करता है मार्कोवनी कॉप्स एडिशन, मार्कोवनी कॉप्स एडिशन फॉलो करता है। अब इसमें से यदि आप अल्काइन में लेकर के रखे हो एसीटाइलिन मतलब इथाइन, तो एसीटाइलिन ही है जो केवल अल्डिहाइड बनाएगा, एसीटाइलिन गिव्स अल्डिहाइड, व्हाइल एनी अदर अल्काइन वेदर टर्मिनल और नॉन टर्मिनल, वेदर टर्मिनल और नॉन टर्मिनल गिव कॉरेस्पॉन्डिंग कीटोन्स। तो याद रख लोगे इतना कि अल्काइन का हाइड्रेशन मतलब अल्काइन का वाटर से रिएक्शन, प्योर वाटर से नहीं होगा रिएक्शन, मर्क्यूरिक सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड उसमें एडेड होगा, अनसिमेट्रिकल अल्काइन है तो मार्कोवनी कॉप्स एडिशन फॉलो होगा। अब यदि अल्काइन में एसीटाइलिन है माने इथाइन, तब प्रोडक्ट बनेगा अल्डिहाइड एसीटल्डिहाइड, और इस एसीटाइलिन के अलावे कोई भी अल्काइन हो चाहे वह अल्काइन टर्मिनल है या नॉन टर्मिनल है, प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। तो अल्डिहाइड इस मेथड से एक ही बनेगा एसीटल्डिहाइड, इसके अलावे कोई नहीं। अब इसके अलावे जो भी अल्काइन लोगे वो हमेशा कीटोन ही बनाएगा। तो एग्जांपल से हम लोग समझें इसको, इतना बात केवल ध्यान में रखोगे। एसीटाइलिन अच्छा वाटर से रिएक्शन HOH मर्क्यूरिक सॉल्ट एलोंग विथ सल्फ्यूरिक एसिड। तो बस इसका देखो वाटर में पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट। अब यहाँ या सिमेट्रिकल अल्काइन है दोनों कार्बन से, मैं किसी भी कुछ जुड़े फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो मान लो कि H को यहाँ जोड़ दें और यहाँ OH, तो ट्रिपल बॉन्ड बदल जाएगा, डबल में एडिशन रिएक्शन है ऐसा। अभी है विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल ऐसे, तुम चाहो तो इसको डायरेक्ट ऑटोमेराइज करवाओ 1, 2, 3, तो इसका हाइड्रोजन यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ,
तो ये हो जाएगा CH3C OH एसीटल्डिहाइड। या फिर दूसरा तरीका इसमें क्या है कि एक बार इसका और हाइड्रोलाइसिस करो, और अलग से नहीं करना हो तो ऑटोमेटिकली वाटर का एक ही मोल इन्वॉल्व तो होगा नहीं, बहुत सारे रह सकते हैं। तो यहाँ अब होगा मार्कोवनिक ऑक्सीडेशन। अब मार्कोवनिक ऑक्सीडेशन होगा तो देखो डबल बॉन्ड का दोनों कार्बन अलग है, इस कार्बन में दो हाइड्रोजन है, इसके पास एक भी नहीं है। तो जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पॉजिटिव पार्ट जुड़ता है, और जहाँ कम है वहाँ नेगेटिव पार्ट जुड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, एच जुड़ेगा यहाँ तो हो जाएगा CH3COH OH H। अब एक कार्बन पे दो OH होता नहीं है तो H2O निकल जाएगा बाहर, तो ये बन जाएगा CH3C OH एसीटल्डिहाइड। हालांकि ये ज़बरदस्ती का बात है, नहीं समझ रहे हो तब ऐसे दो बार करना कोई फ़ायदा क्या हुआ, H2O यहाँ जुड़े और फिर तो निकल ही गया, क्या फ़ायदा हुआ, H2O यहाँ ऐड किए और फिर यहाँ निकल गया तो क्या फ़ायदा हुआ, कुछ नहीं। अभी हम लोग यहाँ H2O जुड़े थे तो इस स्टेप से यहाँ गए तो निकला H2O क्या, नहीं निकला, बस ये जा कर के ऐड हुआ। लेकिन यहाँ आप वाटर ऐड कर रहे हो तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा हो, तो निकल ही जा रहा है। तो उससे बढ़िया कि डायरेक्ट उसको टॉटोमेराइज करवा करके लिखो और वो अपने हो जाएगा, बनेगा तो यही अभी तुरंत बदल जाएगा, इसमें उतना कराने की ज़रूरत नहीं है। होता है कोई कोई बुक में वैसे लिख देता है दो स्टेप में करके, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है, डायरेक्ट ऑटोमेराइजेशन हो जाएगा। अब मान लो ब्यूटाइन वाला जो एग्जांपल लिए थे ना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, कि 1 ब्यूटाइन से बन रहा था एल्डिहाइड और 2 ब्यूटाइन से बन रहा था कीटोन, जरा इसमें देखते हैं क्या बनेगा। इसमें देखें क्या बनेगा, CH3CH2C CH BUT1 Ion। अच्छा तो वाटर का एडिशन HOH क्या रहेगा, मर्क्यूरिक सॉल्ट एलोंग विथ H2SO4, तो ये हो जाएगा CH3CH2। अब चूंकि यहाँ वाटर का मार्कोवनिक ऑक्सीडेशन होना है तो ट्रिपल बॉन्ड का दो कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ नहीं है या कम है तो वो ही जुड़ेगा। तो इस CH3CH2 यहाँ COH डबल बॉन्ड CH2 विनाइल अल्कोहल करवा दो टॉटोमेराइजेशन 1 2 3। तो ये यहाँ नहीं, यहाँ नहीं होता था, या हाँ इसको ऐसे भी दिखा सकते हो ना, ये यहाँ और ई ले लेगा इसको तो हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा CH3CH2C OH CH H1H हो, क्या बना, ब्यूटानोन बन गया। वही यहाँ BUT2 Ion लेकर के देखो, BUT2 Ion ऐसा, इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाओ, हाइड्रेशन करवाओ तो HOH मर्क्यूरिक सॉल्ट एलोंग विथ सल्फ्यूरिक एसिड। अब चूंकि यह सिमेट्रिकल अल्काइन है, दोनों तरफ ग्रुप सेम है तो कहीं भी कुछ जुड़ सकता है। अब कहीं भी कुछ जुड़ेगा तो मान लो यहाँ वो ही जोड़ दो OH, ये बदल जाएगा डबल बॉन्ड में CH3 और यहाँ क्या जुड़ेगा H, हो जाएगा टॉटोमेराइजेशन यहाँ और यहाँ, तो CH3C OH CH2CH3 अगेन ब्यूटानोन। तो इसमें वही तो शुरू में लिखे थे कि एल्डिहाइड बनेगा एक ही केस में, जब अल्काइन में आप लेते हो इथाइन एसिटाइलिन, और इथाइन के अलावे कोई भी अल्काइन लोगे तो हमेशा प्रोडक्ट कीटोन ही बनेगा, चाहे तुम टर्मिनल लो या नॉन टर्मिनल। अभी नॉन टर्मिनल अल्काइन था, ये टर्मिनल अल्काइन है, मैंने यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ सेकंड पे है, तो हमेशा कीटोन ही बनेगा। अब देखो है कितना इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, सो एक साथ रिएक्शन को लिख के कंपेयर करें हम लोग किसको, जो इसके पहले हाइड्रोबोरेशन पढ़ा हमने
और ये जो हाइड्रेशन पड़े इन दोनों को, ऐसा मान लो है CH3C 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 CH3C
पहला केस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का है, BH3 THF H2O2OH माइनस, और दूसरा केस हाइड्रेशन का है H2O Hg2 प्लस H2SO4। क्या क्या बनेगा? तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है हम लोग को कि ये तीन कार्बन का अल्काइन है प्रोपाइन। तो यदि इस हाइड्रेशन करेंगे तब तो कीटोन ही बनना है, और कीटोन बनेगा तो प्रोडक्ट ऐसा बनेगा CH3CO CH3 प्रोपेनॉन। अच्छा, और यहाँ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है जो टर्मिनल कार्बन पे ज़्यादा फेवर होता है, तो यहाँ से टर्मिनल कार्बन वाले पर कार्बोनिल जुड़ेगा तो ये जाएगा CH3CH2COH प्रोपेनल। तो इसको कन्वर्सन के व्यू से भी देख सकते हो, प्रोपाइन टू प्रोपेनल तो इस रूट को फॉलो करेंगे, प्रोपाइन टू प्रोपेनॉन तो इस रूट को फॉलो करेंगे। बस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सेम कंपाउंड को अलग अलग प्रोडक्ट में बदलना हो तो फिर हम लोग इन दोनों रिएक्शंस को याद रखेंगे, भूलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मेथड है इसमें जो नोट्स में तो 20 नंबर है लेकिन उसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, 19 बड़ा मेथड है उसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, तो अभी 20 मेथड 20वां नंबर, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ 19th को स्कैप किए हैं नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेमिनल डाइहेलाइट, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेमिनल डाइहेलाइट। अब देखो जेमिनल डाइहेलाइट भी दो तरह का होगा, एक होगा टर्मिनल और दूसरा होगा नॉन टर्मिनल, दोनों का अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस होगा, दोनों का कैसा हाइड्रोलाइसिस होगा अल्कलाइन। तो टर्मिनल यदि है तो उससे मिलेगा अल्डिहाइड, और नॉन टर्मिनल है तो उससे मिलेगा कीटोन, बस इतना सा बात। जैसे RCXXH ये हो गया टर्मिनल, टर्मिनल जेमिनल डाइहेलाइड, जेमिनल डाइहेलाइड मतलब जान रहे हो ना कि एक ही कार्बन पे दो हेलोजन होंगे, सेम होंगे जनरली दोनों, टर्मिनल है क्योंकि इस कार्बन के एक ही तरफ अल्काइल ग्रुप है दूसरी तरफ नहीं है, 2NaOH एक्वस। बेसिकली यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, हेलोजन हटेगा और OH जा करके जुड़ेगा, RCOH OH H। ऐसा अब यहाँ से 2NaCl बाहर, एक प्रकार का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हेलोजन को रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब एक ही कार्बन पे दो दो OH आ गए तो वही कहानी होगा यहाँ कि H2O बाहर निकलेगा। अच्छा, तो RC OH अल्डिहाइड। अच्छा, अब यदि यही नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल है RCXX और यहाँ भी कोई अल्काइल ही हो R- अब कार्बन के दोनों तरफ अल्काइल आ गया तो ये नॉन टर्मिनल हो गया, नॉन टर्मिनल जेमिनल डाइहेलाइड। तो इसका भी रिएक्शन करवाओ, 2NaOH एक्वस, तो 2NaCl बाहर होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो ये OH R-, एक कार्बन पे दो OH पॉसिबल है नहीं तो बाहर हो जाएगा H2O और ये बन जाएगा RC OR- कीटोन।
तो जेमिनल डाइहेलाइड है, अल्डिहाइड कीटोन दोनों बन सकते हैं, टर्मिनल रहा तो अल्डिहाइड, नॉन टर्मिनल रहा तो कीटोन। एग्जाम में आएगा तो क्या आ सकता है, इससे रिएक्शन कंप्लीट करने आ सकता है। जैसे मान के चलो दिया हुआ रहेगा CH3CH2CHCl2 और यहाँ लिखा हुआ रहेगा, अब दो तीन मोल तो नहीं लिखा हुआ रहता एग्जाम में, केवल NaOH एक्वस हीट। तो देख लेना कि दोनों Cl किनारे वाला कार्बन पे है, मतलब ये एल्डिहाइड में बदल जाएगा बस, तो CH3CH2CH2 हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसा है CH3CCl2CH3 और यहाँ है KOH एक्वस हीट, तो फिर यह जो है CO में बदल जाएगा। मतलब ओवरऑल होता क्या है कि जिसमें कार्बन में दो Cl होगा वो Cl हट करके CO में बदल जाएगा, तो ये CO में बदल जाएगा तो H है तो पूरा CH2 हो जाएगा, और ये बदल जाएगा तो केवल CO रहेगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन कीटोन बन जाएगा, प्रोपेनोन प्रोपेना। अच्छा तो कंप्लीट करना आएगा तो ऐसे करेंगे हम लोग। नेक्स्ट मेथड इसमें है 21, जिसमें ग्रिगनार्ड रिएजेंट का होता है किससे रिएक्शन, फॉर्मिक एस्टर से। तो बेसिकली एल्डिहाइड बनता है इससे बाय रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट विद फॉर्मिक एस्टर, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन बाय रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट विथ फॉर्मिक एस्टर। एल्डिहाइड केवल बनेगा, ओनली एल्डिहाइड। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट मीन्स RMgX, R पे माइनस, MgX पे प्लस, और फॉर्मिक एस्टर है मतलब ऐसा R-O C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, दिस इज फॉर्मिक एस्टर। आप बोलोगे फॉर्मिक एस्टर ही क्यों लिया गया, एस्टर तो इतने सारे एसिड को हो सकते हैं, एसिटिक का हो सकता है, प्रोपेनोइक का हो सकता है, लेकिन चुन के यहाँ फॉर्मिक का ही लिया गया। क्यों? क्योंकि फॉर्मिक एस्टर इज मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक, या बोला जाए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा एस्टर की कैटेगरी में। एस्टर ही क्यों, कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिया जा सकता था, अमाइड भी लिया जा सकता था, सो वाई एस्टर, देखो रिएक्शन में समझ में आ जाएगा। ओवरऑल यहाँ होना क्या है कि ई होगा इलेक्ट्रोफाइल, ई होगा न्यूक्लियोफाइल, ये शिफ्ट करेगा यहाँ, ये आर माइनस अटैक करेगा, हो जाएगा R-O CO- और यहाँ जा करके जुड़ेगा MgX प्लस एच, और ई हो गया यहाँ से R, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा इसमें। अब फाइनली क्या होगा यहाँ से कि ई जो ऑक्सीजन पे तीन लोन पेयर होता है, ई शिफ्ट करेगा यहाँ, और यहाँ से ई अल्कोक्साइड ग्रुप बाहर निकलेगा, दिस वन R-O- अल्कोक्साइड ग्रुप ऐसे, और ये कन्वर्ट हो जाएगा R-C डबल बॉन्ड OH, और ई जो MgX है अब इसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब ओवरऑल यहाँ से बाहर हो गया MgOR-X। अब देखो ये सी डबल बॉन्ड वो किस में होता है, एल्डिहाइड कीटोन एस्टर एनहाइड्राइड अमाइड ये सब में होता है। एल्डिहाइड कीटोन तो लेंगे नहीं, क्या कि वही बनाना है, बचा कार्बोक्सिलिक एसिड वो भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे तो यहाँ लेना होगा एच, तो यहाँ से बाहर होगा OH- एंड OH- इज ए बैड लिविंग ग्रुप। बैड लिविंग ग्रुप मतलब यह आसानी से किसी से बाहर नहीं होता है, जबकि अल्कोक्साइड इज गुड लिविंग ग्रुप देन दिस। अल्कोक्साइड एंड जो है हाइड्रोक्साइड के तुलना में बढ़िया लिविंग ग्रुप है, इसलिए हम लोग को एस्टर ही लेना है। हाँ, इसके जगह एसिड एंड हाइड्राइड भी लिया जा सकता है, एसिड एंड हाइड्राइड का भी यूज किया जा सकता है। जैसे मान के चलो एसिड एंड हाइड्राइड लोगे तो इस चीज़ को लोगे फॉर्मिक एंड हाइड्राइड, तो ये और बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड OH।
तो यहाँ से बाहर हो जाएगा फॉर्मेट आयन ऐसे HCOO- जो ऐसे मैग्नीशियम के साथ जुड़ेगा। तो बेसिकली एस्टर लिया गया है उसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी की वजह से, और वैसे भी जो एसिड एनहाइड्राइड है एक कम इलेक्ट्रोफिलिक होता है उसके तुलना में। तो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक नेचर की वजह से जो है ऐसा है। कोई एग्जांपल देख लिया जाए, जैसे CH3CH2MgBr प्लस यहाँ कुछ भी ले लो CH3OCOH, तो ई शिफ्ट कर रहा है यहाँ, ई माइनस प्लस अटैक कर रहा है यहाँ, तो ये हो गया CH3OCO-MgBr प्लस एच, और ये हो जाएगा CH2CH3, फिर ई यहाँ ई बाहर, तो हो गया CH3CH2C OH, और Mg इसके साथ मिलकर के बाहर जाएगा MgOCH3Br, मैग्नीशियम मिथॉक्सी ब्रोमाइड। तो सेलेक्टिवली यहाँ स्टरी लेना है, उसमें भी फॉर्मिक, क्योंकि इसके अलावा यदि तुम यहाँ एसिटिक लेते हो, प्रोपेनिक लेते हो, बेंजोइक लेते हो, तो इस सबका इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होता है। इस सब में सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल यही है हाइड्रोजन वाला, जब एक तरफ हाइड्रोजन हो कार्बोनिल में। क्यों है इस बात को इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, इसी चैप्टर मतलब कि एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में। तो अब बहुत ज़्यादा मेथड्स नहीं बचा हुआ है प्रिपरेशन में, पीछे एक मेथड स्कैप किए सो, और उसके अलावा 9 मेथड में 10 मेथड्स और हैं, तकरीबन 2 लेक्चर तो लगना चाहिए, बड़े बड़े मेथड्स हैं। तो इसके बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन समाप्त होगा, फिर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी और फाइनली केमिकल रिएक्शंस में इन करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।